क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसे चुरा के। तो करना डर के रहा है गुनेगार बंदा बड़ा जल हेलो 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 एंड हेलो हेलो कैसे हो आप सभी लोग। रुक चुके बड़े होंगे घर पे सुरक्षित होंगे और एकदम राक्षिक माल होंगे। सॉरी वो थोड़ी सी जुखाम सी थी, सह लेंगे थोड़ा सा। आ जाओ मेरी फ्रेश वीडियो में तरबूज जैसी बीसीस की। और आज की वीडियो बड़ी ही मस्त होगी, शुरुआत से लेके आखिरी तक देखना। पहले जरा इसके कबूतर के टंगा दू मुंह का खींच के। आजा आजा मानना आजा बेबी आजा। नहीं अच्छा तो भाई लोग जैसा कि आपको पता है ये अपना फ्री फायर में एक नया करेक्टर आया था। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। तब आया था जब अपन बिजी थे बहुत ज्यादा। लेकिन क्या है ना ये जब आया था तो उसी दिन मैंने इसको अनलॉक कर लिया था, मतलब कि खोल लिया था, बट वीडियो नहीं डाल पाए अनफॉर्चुनेटली। बट रिकॉर्ड जरूर कर ली थी मैंने उसी दिन, पर एडिट भी नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। पर आज एडिटिंग प्लस कमेंट्री और प्लस अपना इसकी सूरत देखने को मिलेगी इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर रहना वीडियो में। और इसका क्या नाम था वो अपना कैरेक्टर का, ये मैं नहीं बताऊंगा। ए पेड़ को पढ़ ले तो एक मिनट। ये है ओ टी ए ओथो। ये क्या है ये मैं भैया गलत टाइपिंग तो नहीं होगी इनसे क्या? ये ओथो क्या होता है यार? ये जा पूछ क्या। ये ओ टी एच ओ ओथो, पता नहीं हम प्रोनाउंस भी ठीक कर रहे हैं नहीं, बट ओथो ही है। चार सिर्फ चार लेटर का वर्ड सारा है, नाम कम बीमारी ज्यादा लग रही है। खैर चलो जो भी हो अपने को तो बंदे मारने से मतलब है। और इसका थोपड़ा दिखा ले चाहिए। कहाँ भाग रहे चूतड़ में हल्दी लगा दी 20-30 रुपए की, मजा आ गया भैया। अच्छा मेरे प्यारे भाई लोगों फटाफट से बताओ कमेंट में किस किस ने कैरेक्टर खोला है, और खोला है तो ये भी बता देना कि इसकी एबिलिटी क्या है। देखो क्या है ना, अब इसकी एबिलिटी चेक करने का मौका नहीं मिला, सो दैट्स व्हाई तभी पूछ रहा हूँ। कमेंट में जरूर बताना ठीक है, अगर किसी को पता हो तो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये फ्री फायर वाले एक चीज बहुत बढ़िया करते हैं, करेक्टर भले काम का हो या ना हो, करेक्टर का जो कपड़ा होता है ना भैया बंडल, ओहो अट्टा कपड़ा मैन एकदम गुच्ची या फिर पराड़ा या फिर एडिबास या फिर निकी मतलब ब्रांडेड होते हैं। बस एक गलती कर दी कि कोई और करेक्टर के बंडल किसी और करेक्टर में फिट नहीं होते। साला एक बार किसी के छाती पर चमड़ी चढ़ गई तो उसी की चमड़ी में चिपकी रहेगी, ये सब फ्री फायर वालों का कहना है। चले तू मजाक कर रहा है, रुको सामने बंदा खड़ा हो मूत्र एक जगह। अबे गर्दन नहीं है क्या? नहीं अच्छा बैग था वो, बैग में मारना मुझे लगा बुद्धि है उसकी। ओके माय फॉल्ट गाइस। अरे यार आज ना मेरा गाने गाने का बड़ा मन कर रहा है यार, छोड़ो कमेंट्री आज गाना गाते हैं ठीक है चलो। हाँ तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चन्ना अभी मचा बाद में ए आजा चन्ना आराम से मर जाऊं सैया। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा चलो दूसरा वाला गाना गाते हैं, वो वाला तो सुना होगा तुमने, वो इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है रील्स में वाला। I am so obsessed, I am so nosy, ulla, o bariane, u pule, ulla, o mani bojune, ulla, 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 ulla,
दो बंदे को टायर के बीच में फंसा कर टट्टे निकाल दी है, बाकी के बचे हैं दो बंदे। एक हवेली के अंदर घुस गया है, एक हवेली के बाहर से गोली चला रहा है। हम तीसरे वाले को ढूंढेंगे फटाफट से। ये भाग रहा है, खोपड़ी खोल दूंगा इसके। मेरे ट्रक में जाके बैठ रहा, तो चोरी करने की कोशिश जोरी है। क्या बोला तूने? तीसरा भी नॉक। और ये बोलो सुभा के सारी भैया, ये होता है क्लच 1v4 कम रैंक में। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। कम से कम भी 20 किल मारने इसमें। देखो बड़े दिनों बाद आए हैं, नए कैरेक्टर से 20 किल मारेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये इसे देखो बोट को कैसे घूम रहा ऑटो में। भैया यहाँ पे कोई सवार क्या है? ये लगा ये भैया ओनली लाल लाल पड़ रहा। अरे मैया कसम, थोड़े से पीले भी पड़े ऐसा नहीं है, बट मजा आया। चलो जब तक इनको मारते हैं और कोई गाने बताओ यार फटाफट से। मेरे को गाने यार आज एक से एक, मतलब रुको कोई सोचता हूँ अपन गाने। बस बजना चाहिए गाने। अरे भाई ये क्या खुल गया? सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एक मिनट बंदे ही मार ले। अरे मेरा ट्रक। अरे भाई चोर। गाइस फ्री फायर में चोर घुसे पड़े। ये जल गया, ये ना होगा मेरा ना होगा तेरा। ट्रक की बात कर रहा हूँ। कुछ भी होता है भैया फ्री फायर में। हैकरों की कमी पड़ जाए तो चोर आ जाते हैं, चोरों की कमी पड़ जाए तो डकैतों की कमी पड़ जाए तो स्कैमर्स, सब चलता है भैया यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं, बदला ले लिया हमने ट्रक का, चलते हैं आगे। भीगी साड़ी को पे मैं तेरा इंतजार करूं। होले होले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। ला देना फिर सनम रे सनम तेरे भैया। हेलमेट फाड़ दो मेरा। अरे कितना डैमेज खाएगी बिरोधरी, मैं मर गई। ये सनम रे ऑटो उठा के यहां से निकल ले, इससे पहले कोई और आके बजा दे। चलो चलते हैं फटाफट से गाइस, बाय। मिलते हैं आगे वाले सपोर्ट पे गाइस, बाय। तो फ्रेंड्स हेलो, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नोला वाला, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं व्लॉग में। और यहाँ पे बहुत सारे पीले पीले कलर के तंबू भी गड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग रहे, एक्चुअली में कस्टमर है। हाथापाई चल रही है बहुत बुरी तरह, जिसमें से एक के मुंह पे थूक करके विमल मारा खींच के वो भी। तो आइए फ्रेंड्स, आप और हम मिलके देखते हैं ये हाथापाई कब तक जारी रहेगी। और हमारी इस हाथापाई में हमारे स्पेशल गेस्ट है हमारे ओथो, जो कि अभी नए नए पधारे हैं हमारे इंडिया में। अब देखना ये है कितना इनका वो डेरा जमेगा या नहीं, या जमेगा भी या नहीं, वो सब अभी आपको जानने को मिलेगा। वैसे तो हम यही सोच के आए थे कि आज की हाथापाई में कम से कम भी 20 बंदों को घायल करे, मतलब कि मौत की घाट उतार दे, पर लग नहीं रहा है। जिस तरह यहाँ पे ये हालत बुरी है, बहुत ज्यादा बदतर से भी बदतर होती जा रही है। क्या है, बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो अपने घरों की खिड़कियों से चाकू फेंक के मार रहे हैं। किसी के छाती पे लग रही है तो किसी की नाक में घुस रही है। एक तो देखो पहाड़ पे चढ़ के ही मार रहे हैं सामने से। मरेगा या नहीं, मरना तो चाहिए चाचा भाई, वो बहुत बढ़िया। तो भाई लोग, जैसा कि आप व्लॉग में देख सकते हैं, अब मात्र एक जनानी बची हुई है जो कि टावर पे गोलियां चला रही है, सटासट चाकू बेलन बर्तन सब फेंक के मार रही है। इसको हम मारेंगे छोटा चेतन फेंक के। दो गोली है छोटा चेतन में, काम तो करना चाहिए। ए लगा 12 का डैमेज, कोई बात नहीं अभी मारते। देखिए मेरे को हिंसा से बहुत ज्यादा परेशानी है, तो मैंने ये तय किया था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा बीच में जाके। दैट्स इट, इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त, बाय।